21वें दिन में आपका स्वागत है। चोपड़ा सेंटर के 21 दिवसीय ध्यान चुनौती को पूरा करने के लिए बधाई। इन समृद्ध ध्यान के अनुभवों को आपके साथ साझा करना हमारा उपहार रहा है। हमारे पूरे समय में एक साथ आप अपने जीवन में बहुतायत प्रकट करने में मदद के लिए दैनिक उपकरण हासिल कर चुके हैं। आप इस विश्वास में बढ़े कि बहुतायत इस ज्ञान में निश्चित है कि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके चारों ओर बहुतायत का अनुभव आप जानते हैं कि आप अपने उच्च स्व के साथ सह निर्माण करते हैं और वास्तव में अपने आप को एक प्रचुर मात्रा में होने के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो दूसरों के जीवन को बढ़ा सकता है और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। आज मैं आपको एक दृश्य ध्यान के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा, जहां हम इस बहुतायत चेतना के बीज लगाएंगे। अधिक प्यार, खुशी, समृद्धि विकसित करने के लिए कुछ भी आप आनंदपूर्वक जानना चाहते हैं कि प्रचुरता आसानी से भर जाएगी और सहजता से अपने जीवन में लाए। अब शुरू करते हैं। कृपया एक आरामदायक स्थिति खोजें और आंखें बंद करें। प्रत्येक सांस लेना और सांस छोड़ने के साथ अपने मन को एक सुंदर घास के मैदान में ले जाने की अनुमति दें। इतनी शांतिपूर्ण और आमंत्रित कि आप इसकी बोझिल घास के बीच बैठना चाहते हैं और इसकी भव्यता का आनंद लेना चाहते हैं। आप अपनी उंगलियों के माध्यम से इसे स्थानांतरित करने के लिए मीडोज मिट्टी को नरम और समृद्ध महसूस करते हैं। पृथ्वी के साथ अपने संबंध को गले लगाते हुए आपके साथ सभी किस्मों के बीजों का एक छोटा पैकेट है। आभार के बीज, सराहना, प्यार, शांति, भौतिक धन, अंतर संबंध, सामंजस्य, स्वास्थ्य, कल्याण और आनंद। आप अपने हाथ में बीज डालते हुए पैकेट खोलें और उपजाऊ मिट्टी में छिड़क के आप भरोसा करते हैं कि एक बार जब आप अपने बीज सूर्य को रख देते हैं और बारिश उन्हें पोषण देगी और वे मजबूत हो जाएंगे और जीवित पौधे। जैसा कि आप रहस्य उद्घाटन करते हैं और अपने पत्ते लेने से पहले बहुत अच्छी खुशबू आती है, चुपचाप इन शब्दों को दोहराने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें अपने दिल के केंद्र में गूंजते हुए मैं असीमित बहुतायत हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं उत्तम कल्याणकारी हूँ,
मैं बिना शर्त रहित प्यार हूँ, मैं पूर्ण सद्भाव हूँ, मैं आंतरिक शांति हूँ। अब ध्वनि को दोहराते हुए अपनी नासिका के माध्यम से एक गहरी सांस लें। सो, फिर धीरे धीरे अपने नथुने से सांस छोड़ते हुए ध्वनि को दोहराए हम। अपनी सांस को आसानी से बहने दें। दोहराते हुए सो, सांस लेते हुए और हम, सांस छोड़ते समय। क्या आपका ध्यान अपने वातावरण में विचारों की आवाज की ओर आकर्षित होना चाहिए या शरीर के पास की संवेदनाएं धीरे धीरे मंत्र को दोहराते हुए आपका ध्यान वापस लाए। सो, हम, सो, हम। कृपया अपने ध्यान के साथ जारी रखें। मैं अपना समय दूंगा और अंत में आप एक धीमी बेल सुनेंगे, जिससे संकेत मिलेगा कि यह मंत्र जारी करने का समय आ गया है। सो, हम, सो, हम।
रुपया अपने शरीर में अपनी जागरूकता वापस लाए। कुछ देर आराम करें, धीरे धीरे और गहराई से सांस लेना और छोड़ना। जब आप तैयार महसूस करते हैं, तब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने सृष्टि के गर्भ में बहुतायत के बीच बोए हैं, जहाँ वे निश्चय ही सहजता से खिलेंगे। भरोसा रखें कि किसी भी समय आप इस स्रोत से जुड़ सकते हैं। आपका सच्चा सार, जैसा कि हम इस चुनौती में अपना समय एक साथ समाप्त करते हैं, मैं आपको एक अंतिम केंद्रित विचार के साथ छोड़ता हूँ, जो एक अद्भुत अनुस्मारक के रूप में काम करेगा, जो हमने एक साथ खोजा था। हर दिन, हर पल मैं अपना जीवन भरपूर तरीके से जीता हूँ। हर दिन, हर पल मैं अपना जीवन भरपूर तरीके से जीता हूँ। हर दिन, हर पल मैं अपना जीवन भरपूर तरीके से जीता हूँ। नमस्ते।